आफ्टर डाइट शेक ले लिया है, पनीर थोड़े से खा लिए हैं, थोड़े से रह गए हैं, वो अभी थोड़ा रुक के गए हैं क्योंकि पेट भारी भारी से हो रहा था इसलिए। और यूट्यूब पे चैनल हमने ओपन कर लिया है, लैपटॉप रखा हुआ है, अभी आपको दिखाते हैं, चैनल ओपन कर रखा है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे, फर्स्ट डे है तो हम लोग अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे, जैसे इंग्लिश में होता है, तो अल्फ़ाबेट्स को फ्रेंच में कैसे प्रोनाउंस करेंगे आज हम वो सीखेंगे, है ना। और रजिस्टर मेरे पास आएंगे तो मैंने अभी सिस्टर का रजिस्टर लिया है, ठीक है, उसका ब्लैंक रजिस्टर था, शुरू के कुछ पेजेस भरे हुए थे, बाकी खाली थे, तो फिर मैंने कहा उन पेजेस को क्लोज करके स्टैपल कर देंगे या ऐसे ही रहने देंगे और बाकी हम फिर आगे अपना फ्रेंच का काम शुरू करेंगे। तो उस रजिस्टर में ना एक चीज़ मेरे को दिखाई दी, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये देखा है, इस रजिस्टर में सब मोम आया है, ठीक है, और ये बुद्ध की पोजिशन में कार्टून कैरेक्टर, ठीक है, तो सब मोम आया है, ठीक है ना। सिस्टर का रजिस्टर बिजनेस एनवायरनमेंट का, उसने बस इसमें कुछ शीट्स भर रखी हैं और तो भरी रखी हैं, लिटरली कुछ बिल्कुल गैप नहीं है, बिल्कुल भरी रखी हैं, ठीक है। तो ये सही है, उसका अपना है, वो जैसे पड़े, यहाँ से तो नहीं, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अरे ये भी भरा हुआ है भाई, और तो नहीं है, नहीं अब नहीं है, तो यहाँ से हम आज अपना फ्रेंच का स्टार्ट करेंगे। ये रहा हमारा फ्रेंच ली अल्फ़ाबेट, ठीक है, और दी अल्फ़ाबेट इंग्लिश में, ठीक है, ए बी सी डी एक्स जेड तक है, ठीक है, तो आज इसको सीखेंगे। उस अल्फ़ाबेट्स लिख लिए हैं इंग्लिश में और हिंदी में, जो हम प्रोनाउंस करेंगे फ्रेंच में, ठीक है। तो इंग्लिश में बोलते हैं दी अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश में बोलते हैं ला अल्फ़ाबेट, ठीक है, ला अल्फ़ाबेट और दी अल्फ़ाबेट्स, ये फ्रेंच में है और ये इंग्लिश में, ठीक है। तो ए से जेड तक हमने सारे अल्फ़ाबेट्स लिख लिए हैं, उसको फ्रेंच में कैसे प्रोनाउंस करेंगे वो भी हमने लिख लिया है, हिंदी में लिखा है बट क्योंकि हमें प्रोनाउंस करना है, इंग्लिश में तो ऐसे ही लिखे जाएंगे, ठीक है। तो ए होता है आ, बी होता है बे, सी होता है से, डी होता है दे, ई अ, एफ एफ इंग्लिश की तरह, जी जे। इसमें ना एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा कि फ्रेंच में जी को जे प्रोनाउंस करते हैं और जे को जी प्रोनाउंस करते हैं। तो इसमें जो जे होता है वो हमारे पास तीन तरह के होते हैं, ठीक है, एक होता है जे फॉर जेट, जे जेब्रा और जे मेजर एंड जे मेजर। तो जेट जेब्रा मेजर, तो तीन जे होते हैं, जे मीन्स जी इन फ्रेंच, ठीक है। तो जी इज प्रोनाउंस एज जे, एच आश आई ई, जे जी, के का एल एल बोलते हैं इंग्लिश की तरह, एम भी एम इंग्लिश की तरह होता है, एन भी इंग्लिश की तरह एन होता है, ओ पी को पे बोलते हैं, क्यू इंग्लिश की तरह सेम होता है, आर को एयर बोलते हैं, एस को एस बोलते हैं इंग्लिश की तरह, टी को ते बोलते हैं, यू को यू बोलेंगे, वी को वे बोलेंगे, डब्ल्यू डब्ल्यू वे हो जाता है, हमारे इंग्लिश में डब्ल्यू बोलते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू वे हो जाता है, मतलब वी को डबल पार्ट, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, वी का डबल पार्ट, ठीक हो। एक्स ईक्स हो जाएगा, वाई ईग्रेक, ये थोड़ा सा मेरे को भी अजीब सा लगा कि ये मतलब बिल्कुल ही अलग हो गया, एक्स ये थोड़ा सा प्रोनाउंस सही सिमिलर हो जाता है, हल्का हल्का थोड़ा सा है, डब्ल्यू भी डब्ल्यू वे भी है, जेड जेड हो गया, पर ये अलग है, चलो ठीक है, आगे हो सकता है कुछ पढ़ें तो पता चले हमें।
ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट्स है इंग्लिश में और प्रोनाउंस होंगे फ्रेंच में, लाइक आ बे से दे अ एफ जे आश ई जी का एल एम एन ओ पे क्यू एर एस ते यू वे डबल वे एक्स ईग्रेक जेड. दिस इज अल्फाबेट दी अल्फाबेट. ओके. अल्फ़ाबेट्स के बाद हम एक और चीज़ सीख रहे हैं, वो है नंबर्स. 0 से 20 तक नंबर सीखेंगे फ्रेंच में. हमने 0 से 20 तक नंबर्स लिख लिए हैं, फ्रेंच में ही लिखे हैं. हिंदी में इसको प्रोनाउंस करना है तो वो हिंदी में लिख लिए हैं, बाकी न्यूमरिक में लिखे हैं. ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करते हैं. 0 को 0, ठीक है, यहाँ एक बिंदी आएगी ना. ये 0 वही है जो मैंने जी को जे प्रोनाउंस करा था, वही है जो 3 जे बताए थे हमने पीछे अभी, जे जे और जे. तो ये 0 आ, यहाँ पे अंक की बिंदी आ आएगी है ना. 0 आ द थ्रुआ कैत्र सैंक सीस सैत वीत नफ दीज. ये हो गए 0 से 10 तक. सेथ लिखा है 7 के लिए, लेकिन हम लोग सेप्ट बोलते हैं सितंबर में. इसमें क्या है, पी प्रोनाउंस नहीं होगा. मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, जैसे अभी हमने ले नवंबर है तो इसके बाद इसमें यहाँ पे ई के बाद एस प्रोनाउंस नहीं हुआ है, ई वोवल है. ठीक है, और यहाँ पे ई ही प्रोनाउंस नहीं हुआ है, 0 हो गया है, ई प्रोनाउंस ही नहीं है. 11 टू 20 करेंगे अब. ठीक है, इसमें एक चीज़ बता दूँ, 11 से 16 तक जो है उनमें सब में लास्ट में ZE 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 आ रहा है. ठीक है, 16 तक बस, और उसके बाद फिर 17 18 19 में दिक्स आ रहा है, जो कि हमारा 10 बोलते हैं, तो दिक्स. और फिर आगे सैत वीत और नफ, ये करेंगे तो 17 18 19 बनेगा. और इसका वहाँ यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये ना मतलब मेरे को भी बड़ा अजीब से लग रहा है, अलग ही लैंग्वेज है भाई, अलग ही लेवल की लैंग्वेज है. VINGT है और ये वहाँ बस, मतलब जी का कुछ पता नहीं, टी का कुछ पता नहीं, आई का कुछ पता नहीं, एन का भी कुछ पता नहीं, बस वहाँ वी हो गया. ठीक है, तो 11 बोलेंगे ओन्स, दूस 12, त्रेज 13, कैतोर्स क्या बोलते हैं यार इसे, हाँ कैतोर्स 14, कैंस 15, सेज 16, दी सैत 17, दीज वीत 18, दीज नफ 19, वा 20. ठीक है, तो 0 से 20 तक ये काउंटिंग हो गई हमारी. ये हमने लिख लिया है सब, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया. ले नाउम्रो हो गया हमारा. 0 आ द थ्रुआ कैथ सैंक सीस सैत वीत नफ दीज ओन्स दूज त्रेज कैत्रो कैतोर्स कैंस सेज दी सैत दीज वीत दीज नफ वा. इस 14 बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, 14 का प्रोनाउंस थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा, 14 में दिक्कत हो रही है भाई बहुत ज़्यादा. यार आज हमने ना जिम भी कर ली,
थोड़ी सी फ्रेंच की पढ़ाई भी कर ली, बस हमने एक चीज़ नहीं करी, हमने आज अपने कोर्स की थोड़ी सी पढ़ाई भी नहीं करी। मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़नी थी थोड़ी सी, उसमें एक दो क्वेश्चन भी मेरे को समझ नहीं आए थे, वो करने थे मेरे को। लेकिन शाम को भी खाना वगैरह खाने के बाद घूमने जाएंगे, अगर कोई आया नहीं तो फिर घूमने नहीं जाएंगे, अगर आया कोई तो जाएंगे, और फिर वहाँ से आके थोड़ा सा ट्राई करते हैं, अगर हो जाता है तो। वैसे मेरे को चांसेस कम ही लग रहे हैं कि घूमने जाने के बाद, मेरे को लगता नहीं कि मैं करूँगा, जितना मेरे को मेरे हिसाब से पता है तो मेरे को मुश्किल लग रहा है, पर ट्राई करते हैं, ट्राई कर सकते हैं, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कल यही करेंगे, कल फ्रेंच की क्लास नहीं करेंगे, फ्रेंच का नहीं पढ़ेंगे, पहले इसी को प्रोनाउंस करना सीखेंगे एक आध दिन, उसके बाद करेंगे। वैसे भी हाथ वगैरह थोड़े कांप रहे हैं लिखने में, इतनी मुश्किल से, वैसे हिंदी की राइटिंग मेरी बेकार है, इतनी मुश्किल से लिखा गया है अभी, ठीक है। और आज वैसे भी घर पे आए नहीं थे, डायरेक्ट जिम चले गए थे बाहर से, मम्मी की दवाई फिर ला के दी बाद में, जिम से दवाई लेने गए थे, डायरेक्ट जिम चले गए, घर पे आए, पोस्ट वर्कआउट की डाइट ली, उसके बाद फिर फ्रेंच में अल्फ़ाबेट्स और नंबर सिस्टम करे। नंबर सिस्टम में भी क्या पूरा नहीं करा, सिर्फ 0 से 20 तक सीखा, उसको प्रोनाउंस करना सीखा, अल्फ़ाबेट्स में A to Z सीखे, उसको लिखा, प्रोनाउंस करा, ठीक है। अब पता नहीं क्या करेंगे, अब देखो क्या करते हैं, खाना खाएंगे, और उसके बाद फिर फ़ोन आएगा तो दोस्तों का घूमने जाएंगे, नहीं आया तो फिर अपना थोड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ लेंगे। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, 50% से ज़्यादा ऑडियंस बिना सब्सक्राइब करे देख रही है यार, एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दो, व्यूज़ तो बढ़वाओ थोड़े से। चलो बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।